प्रसन्न सिंह 102। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट घोषणा संख्या 201 के तहत शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 41,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है, जिसमें से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 31,000 रिक्त पदों की भर्ती करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। खंड दो। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 10,339/2012 त्रिलोक सिंह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21/10/2013 में विद्यार्थी मित्र स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए विद्यार्थी मित्रों को तृतीय श्रेणी अध्यापक कोमा वरिष्ठ अध्यापक कोमा व्याख्याताओं के पदों के वेतन नहीं लगाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए, जिसकी पालना में विभाग द्वारा शैक्षिक वर्ष 2014-15 से किसी भी विद्यार्थी मित्र को नहीं लगाया गया है। संविदा कर्मियों की समस्याओं के निवारण हेतु मंत्रिमंडल की समिति का गठन किया हुआ है, जिसकी प्रति प्रशिष्ट कह पर संलग्न है। शिक्षा विभाग द्वारा अंतर्गत कार्यरत पैरा टीचर व ग्राम पंचायत सहायकों को नियमित करने के संबंध में वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड तीन। शिक्षा विभाग अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षक का पद समर्पित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020-21 में बजट घोषणा संख्या 99 के अनुसरण में कंप्यूटर शिक्षक का पद सर्जन किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पहले तो इन्होंने 31,000 पदों की भर्ती निकाल दी। मेरा एक क्वेश्चन है, माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी ने बजट घोषणा 2020-21 में कंप्यूटर शिक्षकों की घोषणा की है, तो सरकार इसके लिए क्या प्रयासरत है? इनकी नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी? और जो पंचायत सहायक लगा रखे हैं, उनका वेतनमान पंचायत देती है और काम स्कूल में करते हैं, तो उनका पेमेंट? एक तो मैं प्रश्न भी चार पूछ रखे हैं, आइंदा ऐसे प्रश्न नहीं पूछें। एक प्रश्न कंप्यूटर वाले जवाब दे दें, टाइम बजाएगा। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंप्यूटर शिक्षक की कैडर निर्माण की घोषणा की थी, और कैडर निर्माण के बाद में हम लोग इसमें भर्ती भी करेंगे, तो ये पत्रावली फाइनेंस में विचाराधीन है। और मैं समझता हूँ कि महीने भर के अंदर अंदर हम प्रयास कर रहे हैं, मार्च में निपटे, लेकिन महीने मंदिर के अंदर अंदर इसका कैडर का निर्माण कर लिया जाएगा और उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया को चालू किया जाएगा। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित